मैं डर से बिहार नहीं घुसता हूँ, चुपचाप जाता हूँ और चुपचाप भाग आता हूँ, नहीं जाता हूँ बल्कि बिहार यूपी तो मैं घुसता ही नहीं। इतनी भीड़ इतने लोग हरियाणा आ रहे हैं, अगर लीक हो गया तो प्लेटफॉर्म जाम, सब जाम जाम जाम, साला अपना देह बचाना मुश्किल। गलती से एक बार मोतिहारी से गुजर रहा था मैं, लीक हो गया कि साहब जा रहे हैं बेतिया मोतिहारी, ट्रेन में हैं AC2 में। इतनी भीड़ स्टेशन पर हो गई, हम देवाशीष जी को कहा कि देवाशीष जी दे जाइए संभालिए साला। गई महिलाओं ने तत मार मारा पीठ पर, दे मुक्का, ये मुँह झोंसा है जिन्हें मिले दे, ये मुँह झोंसा है। सही घटना ऐसे टाटा में हो गया, मैं जा रहा था उड़ीसा, लीक हो गया कि साहब गुजर रहे हैं, फिर वहां भी वही स्थिति हो गई। तो देखिए, शुरू किया था कोई नहीं था। मुझको याद है वो दिन जब 8-10 गुरु भाई आते थे और उनको खाना बना के खिलाना और उनके जूठे बर्तन साफ करना मेरी पत्नी किया करती थी। और मेरी पत्नी किस परिवार से आती है ये बताने की ज़रूरत नहीं, तब भी वो करती थी। यही भाव था कि लोग शिव को गुरु माने, शिव से जुड़ें, हमारे गुरु आपके भी गुरु हो जाएं, मेरा महादेव आपका भी महादेव हो जाए, यही भाव था। परिणाम तो उतरे, आपकी नीयत क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहते क्या है? अगर गुरु चर्चा से ये दिखलाना चाहते हैं कि आप बहुत बढ़िया ओरेटर हैं, बहुत बढ़िया वक्ता हैं, आगे नहीं बढ़िएगा आध्यात्म की दुनिया में। कम से कम एक घर तो छोड़ दीजिए ना भाई साहब, बाकी जो काम करते हैं करिए ना, हम कहां कुछ बोल रहे हैं। वो गुरु सुधारेंगे, लेकिन जिसको सुधारना है उसी को आप सुधारने लगते हैं, भारी मुश्किल है। वो गुरु आपको सुधारेगा, गुरु चेतना का परिमार्जन करते हैं, गुरु शिष्य को शिव से जोड़ते हैं, आप गुरु को ही सुधारने लगते हैं। अजीब स्थिति है आपकी। कौन कहता है कि आप पैसा नहीं कमाइए? आदमी का जीवन है तो पैसा नहीं कमाएगा, अर्थोपार्जन नहीं करेगा, वो करेगा ही, खाएगा क्या वो? लेकिन शिव चर्चा को बेचते हैं, शिव चर्चा में सम्मान खरीदते हैं, शिव चर्चा में दूसरी चीजों को सामने रखते हैं। कम से कम वो घर तो छोड़ दीजिए, बाकी हमको कहीं कोई एतराज नहीं है। आप कहिएगा मैं बाकी चीजें दे सकता हूं, लेकिन छोड़िए तो पहले से ही, एक को तो छोड़ दीजिए, उस अपने महादेव को तो छोड़ दीजिए, अपने गुरु को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने जो कहा उसको तो ईमानदारी भर करने की कोशिश करिए कि हम इसमें ईमानदार रहें। तब जबकि हमने बहुत छूट दे रखी है, मामूली छूट नहीं दी है मैंने, और मेरी छूट मैंने ही शुरू किया है ना, तो मेरी छूट यानी उस महादेव को, मेरी छूट को तो आदर देना ही होगा, उनको मानना ही होगा, क्योंकि शुरू मैंने किया है। तो मैं छूट दूँ या रोकूँ, यही लागू होगा। तो कम से कम उस महादेव को तो छोड़ दीजिए, कम से कम एक घर तो। कहा जाता है नहीं कि पहले के जमाने में कि एक डाइन एक घर छोड़ देती। मैं जब स्मशान साधना करता था तो कपालिक साधना में एक बार एक महाप्रेत ने हमसे कहा कि एक फल छोड़ दो, रात के 2 बजे स्मशान में कहा एक फल छोड़ दो, कुछ छोड़ना है, एक फल छोड़ दो। हम सोचा साला का छोड़े, हम कहा जी ककड़ी नहीं खाएं। हम सोचे कि यह एगो है जिसको छोड़ा जा सकता, हम कहा ककड़ी नहीं खाएं, तो हो गया एगो फल छोड़ दो, ककड़ी भी फल है, मैंने फल छोड़ दिया। जब शिव गुरु हो गए तो सतीशवा बक्सर से ककड़ी ले आता था, मैं प्रेम से खाता था, कहा कि मैंने वादा वहां किया था, शिव के सामने थोड़ा ही किया था, मैं प्रेम से खाता था। तो हमको आपको भी उस घर को छोड़ देना चाहिए, जो गुरु कहते हैं उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करिए, करिएगा, परिणाम आपको मिलेंगे, मिल रहे हैं, तभी इतनी भीड़ है। कितना हुआ, कितने साल बीते हैं शिव चर्चा के, कितना वक्त गुजरा है। अरे कमरे से बाहर मैंने शिव चर्चा शुरू की थी 1990 में, 22 साल न हुआ है, 22 साल में बिहार यूपी में कौन गांव कौन गली बची हुई है?
जहां शिव चर्चा नहीं होती है, परिणाम है तब ना है। हम लोग कहां जाते हैं, मैं तो आजकल निकलता भी नहीं, परिणाम है तब ना लोग शिव से बन रहे हैं और आप घोषणाओं पर घोषणाएं किए जा रहे हैं, लोगों को शिव चर्चा की ओर मुखातिब किए जा रहे हैं, प्रेरित किए चले जा रहे हैं, परिणाम है। तो गुरु चर्चा करिएगा, गुरु का आदेश करिएगा तो आपको भी लाभ ही होगा। आप देखिए ना, मैंने तो देखा है 30 वर्षों में, जब मैं कमरे के भीतर भी शिव चर्चा करता था या बाहर भी करने लगा, तब से आज तक मैं देख रहा हूं लोगों के कष्ट में कमी आई है, लोग अच्छी स्थिति में गए हैं। पैसा आपके पास भले नहीं हो, पैसा तो मेरे पास भी नहीं, पैसा आपके पास भले नहीं हो लेकिन अच्छा पहनने लगे हैं आप, अच्छा खाने लगे हैं आप, आपके परिवार के लोग अच्छे रहन सहन में रहने लगे हैं। ये मैं लगातार देख रहा हूं और आपके कष्ट कम हो जाते हैं। कब नहीं कम होते हैं, जब आप इसका रोना रोते हैं। दवा खा नहीं रहा है, रोग के बारे में हल्ला कर रहा, दवा बताई जा रही है, आप सुन ही नहीं रहे। अरे औषधियों के इंतजार में व्याधियां प्रसार थोड़ी रोक देंगी, आप दवा नहीं खाएगा तो बीमारी रुक जाएगी कि बीमारी बढ़ेगी, उसका लक्षण बढ़ती है, वो दवा तो खानी होगी। तो आप ये रोना क्यों रोते हैं, कष्ट किसको नहीं है, यहाँ कौन मुक्त हुआ है इससे? शिव भी शरीर में आए तो मुक्त नहीं हो सकते वो, ये योनिगत दोष है। योनिगत जैसे होइएगा आपके कर्मफल आपका पीछा करेंगे, काल का प्रभाव आप पर पड़ेगा, समय का प्रभाव आप पर पड़ेगा। वो तो शिव भी शरीर में आएंगे तो उनको तो जगत के नियमों में चलना होगा। हिंदुस्तान में घुस आइएगा आप अमेरिका से और कहिएगा कि यहाँ का कानून हम नहीं जानते हैं, वाह, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कानून नहीं जानना कोई माफी नहीं है। अरे भाई, कोई आदमी इस देश में घुस जाएगा नेपाल से, कहेगा हमको यहाँ का कानून, यहाँ का आदमी नेपाल चला जाएगा, कहेगा हमको कानून नहीं मालूम था इसीलिए ऐसा किया, सजा नहीं मिलेगी उसको? मिलेगी। तो इस धरती का जो नियम है उसमें शिव भी आएंगे तो उनको यहाँ के काल चक्र में पड़ना ही पड़ना है, तो कौन मुक्त है यहाँ? और कष्टों के बाद भी कुछ चीजों को आप पकड़े हुए हैं, भारी परेशानी में भी कुछ चीजों को पकड़े हुए हैं आप, परिवार को पकड़े हुए हैं, बेटा अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी लगती है, कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ लोग अच्छे लगते हैं, भीषण कष्ट में भी जो अच्छे लगते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, उनको नहीं छोड़ते आप। शिव ही एक पराया है, वही महादेव दूसरा है, उसी से रिश्ता इतना कमजोर है कि छोड़ दिया जाए, बाकी किसी चीज को नहीं छोड़ा जाए। अच्छे कपड़े साफ पहनना नहीं छोड़ा आपने, नहाना नहीं छोड़ा आपने, खाना अपने मर्जी का खाना नहीं छोड़ा आपने, कष्ट है तो हैं तब भी आप ऐसा करते हैं, व्यवस्था करते हैं आप, तो आपका गुरु ही इतना कमजोर रिश्ता रखिएगा तो कैसे चलेगा भाई साहब, धरती पर भी रखिएगा तो नहीं चलेगा। तो चलो, इतने कष्ट हैं, शिव भी रहेंगे तो क्या अंतर आएगा, इतनी परेशानियां हैं, एक मेरा गुरु भी रहेगा तो क्या अंतर आएगा, उसी में करेंगे। और करना शुरू करिए ना, वो दुख धीरे धीरे टूटते हैं, खत्म होने लगते हैं। कहा जाता है ना कि बनने में समय लगता है, टूटने में समय नहीं लगता है। एक बार मेरे टीवी में भगवती ने कहा था, मेरे टीवी में झूठी कहानी, नदी आवा है ना बउआ तो धीरे धीरे ओहरा है। वो जहां रहिएगा, जहां की बोली होगी जवाब उसी की बोली में आवे, वहीं की बोली में आवे। मेरी ये भाषा नहीं है, मैं तो भोजपुरी भाषी हूं। उत्तर आया था, नदी आवा है ना बउआ, मन नदी में जब बाढ़ आती है, नदी आवा है ना बउआ तो धीरे धीरे अहरा है, यानी नदी के बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटता है, अकबकाओ नहीं। एक बहुत मैं कष्ट में पड़ गया था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है, उसी पर उन्होंने उत्तर दिया था कि नदी आवा है ना बउआ तो धीरे धीरे अहरा है, यानी धैर्य रखो, नदी का पानी बाढ़ का पानी खत्म हो जाएगा, फिर सूखी जमीन मिल जाएगी। तो आपको आप जो आपकी मदद करने वाला है उसी को छोड़ देते हैं आप, उसी को अपने व्यापार का साधन बना लेते हैं। अरे उसको छोड़ दीजिए, बाकी करिए ना, कहाँ कुछ रोक रहा है कोई आदमी, जब रोक ही देंगे हम आप मान ही जाएंगे हम, तो गुरु की क्या जरूरत है।
श्रद्धा आप में पैदा ही हो जाए, संशय का नाश ही हो जाए, तो फिर गुरु की क्या जरूरत है। शिव के प्रति प्रेम ही पैदा हो जाए तो फिर गुरु की क्या जरूरत है। कोई रोल उनका नहीं है, कोई भूमिका उनकी नहीं है, सब करेंगे गुरु। उसी रिश्ते में आप सेंध मारते हैं, उस रिश्ते को तो बचा के रखिए भाई साहब। हम लोग सारे लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं, मैं तो निश्चित ही आपकी मदद करूंगा, बस गुरु का आदेश उनकी नियत से आप करिए। जो वो चाहते हैं वैसी नियत पैदा करिए, ऐसी ही उनसे दया मांगिए और देखिए जिंदगी बदल जाएगी, खुशियां वापस लौट आएंगी। बातें हुई, जिज्ञासाएं भी आई। मैंने जो देखा या सुना, किसी ने शिवलिंग पर पूछा, किसी ने कहा कि अनु भैया सार्थकता बोलते हैं शिव की, शिवलिंग की, साहब कुछ नहीं बोलते। किसी ने कुंडलनी साधना पर पूछा, हालांकि आज विषय कुंडलनी साधना का नहीं था। एक बात समझिए, इस पूरी दुनिया का रहस्य क्या है। बात हुई है इस पर, कई वक्ताओं ने इस पंक्ति को अपनी चर्चा में कहा कि पूरी सृष्टि उस शिव की इच्छा से निर्मित है, उस ईश्वर की इच्छा से निर्मित। ध्यान दीजिएगा, आप भी निर्मित हैं उसी की इच्छा से, यह खुदा की खुदाई है, उसकी इच्छा से यहां सब कुछ निर्मित है, चल भी रहा है, टूट भी रहा है, फिर निर्माण हो रहा है। क्या वह इच्छा आपके पास है? मैं महोत्सव में नहीं बोल रहा, इसीलिए समझने की कोशिश करिए। वह इच्छा आपके पास भी है, क्या नहीं बनाए हम लोगों ने, बनाते चले जा रहे हैं। बीमारियों से लड़ने के साधन, रहने की व्यवस्था, आवागमन के नए नए उपाय, आवाम, क्या नहीं बनाए, किस चीज से बनाए। अगर सोचा नहीं होता, अगर संकल्प नहीं लिया होता, न टेबल बनता, न मकान बनता, न हवाई जहाज बनते, न पनडुब्बियां बनती। किसी ने सोचा, ज्ञान लिया, क्रिया की, यानी मूल बात है उसकी सोच, उसकी इच्छा। उसकी इच्छा, उस कहा जाता है कि शिव की इच्छा में तो बड़ा बल है, उसकी इच्छा ही शक्ति है, कहा जाता है शिव की इच्छा ही शक्ति है। शिव शक्तियों से जाने जाते हैं, उसी की इच्छा से वो जाने जाएंगे। वो आप में भी आई है और बहुत कुछ तोड़ते हैं आप, बहुत कुछ बनाते हैं आप, बहुत कुछ रखते हैं आप, और इसके पीछे एक ही रहस्य है, आपका संकल्प। संकल्प शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि आपकी इच्छा थोड़ी कमजोर है उस ईश्वर से। आप अस्पताल जा रहे हैं, नहीं भी जा सकते हैं, आप सर्कस देखने गए हैं, लौट आ सकते हैं, कोई घटना आपको वापस बुला सकती है, यानी इच्छा है आपकी कि आज सिनेमा जाएंगे, सिनेमा हॉल में बैठे भी हैं आप सिनेमा देखने को, और दुर्घटनाएं आपको घर भेज देती हैं, दूसरी जगह भेज देती हैं, और आप हमको आपको जाना पड़ता, यानी इच्छा तो है सिनेमा देखने की, लेकिन वो इच्छा टूट गई, किसी ने तोड़ दिया या टूट गई, यानी हमारी आपकी इच्छा है कमजोर। लेकिन यही इच्छा जब संकल्प का रूप लेती है, यही इच्छा जब भाव का रूप लेती है, एक ही चीज है वो, प्रेम भाव और विचार, इच्छा जिसको बोलते हैं, इच्छा में विचार ही है, थॉट्स हैं। वही इच्छा जब मजबूत होती है तो आप इसको भाव शब्द देते हैं, है वही।
यही भाव जब मजबूत होते हैं तब आप प्रेम या दुश्मनी जो कहिए आप प्रेम का रूप देते हैं। है वही पानी वही है जो भाप भी बना है, या भाप वही है जो पानी भी बनता है और बर्फ भी है वही। यानी उस सृष्टिकर्ता के पास जाने के साधन आपके पास हैं, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से पूरे जगत का निर्माण किया है। आप अपनी इच्छा से शिव के पास जाएंगे, वो ऊर्जा आपको दी हुई है, वो अस्त्र आपके पास है, वो साधन आपको दिया हुआ है। आपकी इच्छा कमजोर है, इसीलिए कहा जाता है कि इस भाव होगा तो शिष्य बनेंगे आप, भाव होगा तो देवता लभ्य होंगे, भाव होगा तो देवताओं का दर्शन होगा। कुछ नहीं है, ये आपकी इच्छा है और कुछ नहीं है। इच्छा भी होती है फिर टूट जाती है, लेकिन इच्छा जब ठहर जाएगी तो उसके रूप बदलेंगे, उसके परिणाम भी बदलेंगे। रहेगी मटेरियल वही है, सामान वही है, वेस्ट वही है, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक उतना ही है, पानी में बर्फ में भाप में मटेरियल तो एक ही है। मटेरियल आप ही के पास, वो इच्छा का मटेरियल है, उसको आप मजबूत